करना चाहते हैं कि इस तरीके से सवाल से उनको बचना चाहिए। दूसरी बात, वो भगवान श्री कृष्ण को गाली देने का काम किया। चलिए चलिए हर्ष प्रताप जी, सवाल है कि जो गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव को जो छाता अधिकारी लगाया, तो बीजेपी सवाल उठा रही है और बोल रही है कि जो चारा घोटाला, देखिए फिर अभी बोले हैं ना कि भाजपा के लोग तो हत्या करते हैं ना, भाजपा के हत्या एक साइड हटिए ना। तेज प्रताप जी, जिस तरह से एनडीए की बैठक हो रही है, इंडिया की बैठक हो रही है, बैठक से पहले सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। देखिए इन चीज़ों से कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है। और जब से महागठबंधन बनी है, इंडिया बनी है, तब से इन लोगों को आग लगा हुआ है। और ये हम भविष्यवाणी कर देते हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि 24-25 में भाजपा का पूरे तरीके से सफाया निश्चित है, कहीं भी आने वाली नहीं। आप देख लीजिए अदर राज्य में भी देख लीजिए भाजपा का क्या दुर्गति हो रहा है। सर ओपी राजभर ने कहा सर कि गांधी का हत्या की है, तो उस पर फोकस कीजिए। आपको ये हम बता दें कि उनका स्वास्थ्य चल रहा है, वो तो मुश्किल से निकले अपने गांव के, वो भी नहीं जा रहे थे, हम लोग बोले चलने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, सब उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए मिलने। ननिहाल जाकर हम लोग तो गए ही हैं उनके यहाँ घर पे, हम तो हमेशा गए हैं और शुरू से रहे हैं, और पिताजी ने भी खूब मदद किया है उनको, ऐसा बात नहीं है। आज भी दिल में जगह है सर, दिल में जगह है, उनको भी तो आना चाहिए हम लोग के यहाँ। सर हरिवंश जी को जेडीयू से कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया है, हो गया। पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, प्रवक्ता कक्ष में बैठे हैं और निरीक्षण भी करते हैं। नहीं, हम तो समय समय पर पार्टी कार्यालय आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, तमाम लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या समस्या है नहीं समस्या है पूछते रहते हैं, सबसे हाल समाचार। पार्टी कार्यालय है तो आना ही स्वाभाविक है, आना है पार्टी कार्यालय। तो लालू जी के बारे में लोग कह रहे हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, उस पर क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि कुछ लोग नेता लोग जो होते हैं अपना जूता पॉलिश करवाते हैं, कुछ नेता जो हैं जैसे राजनाथ जी को देख लीजिए, अपना जूता अथी करवा रहे थे, पहनवा रहे थे नौजवान से। छाता की बात कह रहे हैं कि छाता लेकर एसडीपी लोग घूम रहे थे, इस तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए अब बरसात में सब लोग जानते हैं कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी किस हालात से गुजर रहे हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। वो छाता अगर पकड़ ली तो छाता ही पकड़ा, कोई अपराध तो किया नहीं। अब बड़े लीडर हैं, अब लीडर का आदमी छाता पकड़ लिया या एथी हो गया, तो इसमें इशू बनाने वाली कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई गलत काम तो हो नहीं रहा था। एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आते हैं तो उनके लिए लोग मतलब, और मेरा मानना है कि नितिन गडकरी जी बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, और बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है, तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछले बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देने, लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं वो हो, तो उसके लिए भी वो पॉजिटिव नज़र आए। कहाँ से कहाँ तक एक्सप्रेसवे है आप लोग? ये आपका जो रक्सौल तक जो है वो जाएगा, तो आपको डिटेल हम भिजवा देंगे, सिलीगुड़ी तक है। चंद्रयान को लेकर के सब लोग इतनी सफलता की बात कर, सब लोग गोरखपुर से है, चंद्रयान को लेकर के सब अपनी अपनी श्रेय लेने के एक तरीके से बोल बच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें तो वैज्ञानिकों का योगदान है, वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा है, और उनको हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं, और उनका जो काम रहा है देश का नाम ऊंचा किया है, तो उनको सलूट है। वाजपेयी जी और मोदी जी नहीं सबसे ज्यादा इसमें, ये लोग कह रहे हैं ये लोग किया, अरे मोदी जी ने तो इसरो का बजट ही घटा दिया, क्या बात है। चलो शुक्रिया।